किडनी में कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करती हैं। ऐसे ही किडनी की एक समस्या है जिसको यूरेमिया कहते हैं। ग्रीक भाषा से आया ये शब्द यूरेमिया दो शब्दों के मेल से बना है, रक्त और यूरिया, जिसका अर्थ बनता है रक्त में यूरिया का बढ़ना। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि किडनी का काम रक्त को साफ करने का होता है। अगर किडनी अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाती तो ब्लड साफ नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जो यूरेमिया रोग का कारण बनता है। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारी आसानी से देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूरेमिया रोग कैसे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। हमारे ऐसे कई दर्शक हैं जो इस बीमारी के बारे में नहीं जानते। हम अपनी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि यूरेमिया रोग क्या है और इसके क्या संकेत हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। बढ़ते हैं अपने आज के विषय की तरफ और बात करते हैं यूरेमिया के बारे में। जितने भी स्वस्थ व्यक्ति हैं, उन सभी के रक्त में कुछ मात्रा में यूरिया होता है। जब वो यूरिया शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ने लगे, तब किडनी के काम में दबाव आता है। इस कारण किडनी रक्त से यूरिया सही तरीके से बाहर नहीं कर पाती, तो इस स्थिति में यूरिया रक्त में बढ़ने लगता है। इससे यूरिया यूरिन के माध्यम से बाहर न निकलते हुए ब्लड में ही बढ़ने लगता है। इस किडनी की स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया की दिक्कत तब होती है जब किडनी में किसी कारण से खराबी आ जाए या फिर कोई स्वास्थ्य समस्या हो जाए, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में कोई गंभीर चोट या फिर किडनी में संक्रमण हो। ये सभी समस्याएं यूरेमिया रोग को आमंत्रित करती हैं। यूरेमिया रोग का समय पर इलाज न किया जाए तो ये हानिकारक भी हो सकती है। समय पर सही उपचार लेने से आप ठीक भी हो सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूरेमिया रोग या ब्लड यूरिया बढ़ता कैसे है, तो आपको बता दें कि ये तब बढ़ता है जब शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ती है। प्यूरिन तब बढ़ता है जब आप अधिक मात्रा में ऐसे आहार लेते हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा अधिक हो, जैसे आलू, मटर, मशरूम, बैंगन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मसूर की दाल, बीन्स, सोयाबीन, टोफू, ओट्स, ब्राउन राइस और जौ। इन्हीं सभी आहारों का अधिक मात्रा में सेवन रक्त में यूरिया को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि यूरेमिया के कारण क्या हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होना, किडनी की नलिकाओं या उसके आसपास सूजन आना, अगर किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या पीकेडी है तो संभव है वो यूरेमिया रोग से प्रभावित हो। जिन लोगों को डायबिटीज की दिक्कत है, उन्हें भी ये रोग हो सकता है। अगर किडनी की फिल्टर करने वाली ग्लोमेरुली में सूजन हो जाए तो भी ये यूरेमिया रोग का कारण बन सकता है। अगर किसी को लंबे समय तक किडनी में स्टोन हो तो हो सकता है कि उन्हें यूरेमिया रोग से जूझना पड़े। यूरेमिया रोग का एक और कारण है यूरिन में संक्रमण होना, और इसके कारण किडनी में भी संक्रमण हो जाता है। अगर आपको हार्ट की कोई तकलीफ है तो ये भी यूरिया रोग को बढ़ावा देता है। इसके साथ अगर बार बार यूरिन की कोई तकलीफ हो तो ये यूरेमिया रोग का कारण बन सकती है। तो ये है कुछ कारण जो आपको यूरेमिया रोग का शिकार बना सकते हैं। अब जानते हैं कि यूरेमिया रोग के कौन से संकेत होते हैं जो आगे चलकर हानिकारक हो सकते हैं। अगर आपको शरीर में कमजोरी लगती है और ये कमजोरी ठीक नहीं होती तो ये यूरेमिया रोग का संकेत हो सकता है। इसके अलावा शरीर में सूजन जैसी दिक्कत अचानक से बढ़ जाए तो हो सकता है आपको यूरेमिया रोग हो। अगर आपको त्वचा में खुजली लगातार बनी हो, इसके साथ ही त्वचा में रूखापन और रैशेज नजर आने लगे, तो ये यूरेमिया रोग का लक्षण हो सकता है। यूरेमिया रोग के कुछ प्रमुख लक्षण हैं, जैसे बार बार यूरिन का एहसास होना, यूरिन की मात्रा कम आना, यूरिन रिलीज करते समय जलन और दर्द होना, यूरिन में ब्लड और पस आना। इसके अलावा शरीर में सूजन आना, बार बार उल्टी आना, बिल्कुल भूख न लगना, अचानक से वजन कम होना, मानसिक स्थिति में परिवर्तन होना और सांस लेने में तकलीफ होना। अगर आपको ऐसी कोई भी दिक्कत होती है तो यूरेमिया रोग के संकेत हैं, जिनके लिए आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इन लक्षणों को अनदेखा करना हानिकारक हो सकता है। आइए बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। इसके लिए जरूरी है कि डायबिटीज कंट्रोल में रखें, रक्तचाप को बढ़ने न दें, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार लें, धूम्रपान और शराब का सेवन न करें, नियमित मात्रा में पानी पिएं और फलों का जूस पिएं। बस कुछ सावधानी बरतें और आप यूरेमिया रोग जैसी गंभीर समस्या से दूर रहते हैं। किसी भी आहार को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले आप डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह जरूर लें। इसके साथ ही अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, जिसके लिए आप अपने जीवन में कर्मा आयुर्वेदा को शामिल करें। अगर आप अपने जीवन में कर्मा आयुर्वेदा को शामिल करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं, साथ ही आपकी किडनी में होने वाली समस्याओं से भी आप दूर रहते हैं। कर्मा आयुर्वेदा का इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये इलाज जड़ी बूटियों द्वारा किया जाता है। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो आपको कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करना चाहिए।
कर्मा आयुर्वेदा में किडनी का सफल इलाज पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से किया जाता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। कर्मा आयुर्वेदा के इलाज में ना तो डायलिसिस की जरूरत होती है और ना ही किडनी ट्रांसप्लांट की। तो आप किडनी की समस्या के लिए कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए गूगल फॉर्म में अपनी समस्या लिखकर हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे के अंदर आपसे खुद संपर्क करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। विदा लेने से पहले आपको बता दें कि कैसे कर्मा आयुर्वेदा में आपको किडनी का सफल इलाज मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र से हजारों किडनी के मरीजों ने इलाज लिया है और वो पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। कर्मा आयुर्वेदा से उपचार लेकर किडनी के मरीज कैसे स्वस्थ हुए, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? सईदा। कहाँ के रहने वाले हैं? जब आए थे तब क्या क्या तकलीफ हो रही थी? तब तो हम उठ ही बैठ नहीं पा रहे। ये आज पहली बार आई है। अच्छा, इसके पहले तो मैं आता था रिपोर्ट लेकर। तो जब मैं पहली बार आया तो इनका बहुत बुरा हाल था, डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिया था। इवन मुझे कुछ समझ में भी नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। इतने क्वेश्चन थे मन में कि जवाब ढूंढ पाना मुश्किल था। फिर लास्टली आपके पास आया तो ये हुआ, टाइम लगेगा सर, हो जाएगा। मेरी मम्मी उठने बैठने में सक्षम हो गई हैं, चल फिर रही हैं। इलाहाबाद से यहाँ तक आई हैं, अपना जो पहले के मुकाबले का इम्प्रूवमेंट, पहले उठ बैठ ही नहीं पा रही थी, तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब आशा करते हैं कि हम एकदम ठीक हो जाएंगे जैसे पहले थी। तो खैर आपकी दवा से उठने खा पी उठने बैठने कुछ खाती थी उल्टी हो जाता था। और क्रिएटिनिन अगर हम देखें तो इसके अंदर 4.5 हो चुका है आज की डेट में, 17/10/2018 की ये रिपोर्ट है, 4.5 इसमें क्रिएटिनिन हो चुका है। तो अब ये है कि इस एज में और इनकी हालत देख के लगता नहीं है कि डायलिसिस इनके लिए संभव भी है। ऐसे बहुत से मरीज हैं जिनका एक फिजिकली इतना वो नहीं होता कि वो डायलिसिस तक करा भी सकें। अब जो करा भी सकते हैं, देखा जाता है 50% ऑफ द पेशेंट जो हैं वो डायलिसिस के 6 महीने में सहन नहीं कर पाते और वो एक्सपायर होने की स्टेज तक वो पहुंच जाते हैं, उनका ये देखने में मिलता है। तो यही कहेंगे, अगर किडनी की किसी भी प्रकार की समस्या है तो कर्मा आयुर्वेदा के नंबर्स नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। और ऐसे सैकड़ों हजारों पेशेंट हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको इम्प्रूवमेंट आई है, उनमें से एक आज हमारे साथ हैं साहिदा जी, जो इलाहाबाद से हैं। स्टॉप किडनी डायलिसिस। तो देखा आपने कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर किस तरह मरीज पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।